गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माई क्लास। टूडे वी विल स्टार्ट योर लेसन वन, प्रहलाद। सी दिस पिक्चर। डू यू नो द स्टोरी ऑफ दिस लॉयन मैन इन दिस पिक्चर? ये जो लॉयन मैन आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या आप इनकी स्टोरी जानते हैं? डू यू नो हु appeared as the lion man or Narsimha? क्या आप जानते हैं कि कौन appear हुआ था, कौन प्रकट हुआ था lion man बनकर, या इनका नाम है Narsimha? Narsimha बनकर कौन प्रकट हुआ था on earth, धरती पर, and to protect whom, और किसको protect करने के लिए, किसकी रक्षा करने के लिए धरती पर प्रकट हुआ था? कौन प्रकट हुआ था और किसकी रक्षा करने के लिए प्रकट हुआ था? सो इस स्टोरी में, जिसका नाम है प्रहलाद, हम ये जानेंगे कि लॉयन मैन कौन है और ये किसके लिए प्रकट हुए। लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग लॉन्ग देयर लिव्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल डेमन किंग। बहुत बहुत पुरानी बात है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, ताकतवर, पावरफुल, ताकतवर डेमन किंग, मतलब असुरों का राजा, राक्षसी किंग होते हैं ना असुर, उनका एक राजा था हिरण्यकश्यपु। क्या नाम था? हिरण्यकश्यपु। ही वर्शिप्ड, वर्शिप्ड मतलब पूजा करना, लॉर्ड शिवा, वो शिव भगवान की पूजा करता था। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ मेडिटेशन ही वॉज एबल टू प्लीज हिज लॉर्ड। बहुत सालों की तपस्या के बाद, ध्यान के बाद, मेडिटेशन मीन्स ध्यान, ही वॉज एबल, वो सक्षम हुआ टू प्लीज हिज लॉर्ड, अपने भगवान को प्रसन्न करने में, अपने भगवान की कृपा प्राप्त करने में, मतलब काफ़ी साल उसने तपस्या की, ध्यान किया, तब कहीं जाकर उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका, वन डे एज ही सेट इन डीप प्रेयर, एक दिन जब वो बैठा हुआ था गहरी, डीप प्रेयर मतलब गहरी तपस्या में बैठा हुआ था, लॉर्ड शिवा, भगवान शिव, अपीयर टू हिम, उसके लिए प्रकट हुए, प्लीज्ड विद हिम, और उस पर कृपा की। लॉर्ड शिवा ग्रांटेड हिम, लॉर्ड शिवा ने उसे ग्रांट किया, दिया अबून, एक वरदान दिया। क्या वरदान था? दैट ही शैल डाई नाइदर इन द डे नोर इन द नाइट, वो नहीं मर सकता दिन में ना रात में, नाइदर इन साइड अ हाउस नोर आउट साइड इन द ओपन, ना घर में मर सकता है ना कहीं बाहर ओपन में मर सकता है, नाइदर ऑन अर्थ नॉर इन द स्काई, ना धरती पर मरेगा ना वो आसमान में मरेगा, नाइदर बाय अ मैन नॉर बाय एन एनिमल, ना किसी इंसान से मरेगा ना किसी पशु से, जानवर से मरेगा। तो ऐसा उसने किससे? भगवान शिव से वरदान लिया। किसने लिया? हिरण्यकश्यपु ने। ही स्टार्टेड थिंकिंग दैट ही हैड बिकम इमोर्टल। अब उसने सोचना स्टार्ट कर दिया कि वो तो इमोर्टल हो गया, अमर हो गया है। ही आस्क्ड हिम सब्जेक्ट टू वर्शिप हिम एज गॉड। ही आस्क्ड ही सब्जेक्ट, वो अब अपने लिए कहने लगा कि मेरी पूजा करो भगवान की तरह, मैं भगवान हो गया क्योंकि तो मैं तो मर नहीं सकता, मैं अमर हो गया तो अब मेरी भगवान के जैसे पूजा होनी चाहिए। ही लुक्ड अपॉन गॉड एज हिज एनिमी, और भगवान को वो कैसे देखने लगा? अपना एनिमी समझने लगा, एनिमी मीन्स दुश्मन समझने लगा। दोज हु रिफ्यूज्ड टू वर्शिप हिम वर पुट टू डेथ, जो उसको मना कर देते, रिफ्यूज मतलब मना करना, उसकी पूजा करने के लिए मना करते थे, वो उन्हें मार देता था। सून हिज पीपल स्टार्टेड फियरिंग हिम, जल्द ही जो उसकी इन हरकतों से उसकी जो जनता थी, प्रजा थी, वो उससे डरने लगी। हिज वाइफ कयादू, उसकी पत्नी कयादू,
वाज वाइज एंड गुड नेचर, बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे नेचर की थी, वाइज समझदार थी और बहुत अच्छे व्यवहार स्वभाव की थी, नेचर की थी। देयर सन प्रहलाद, उनका बेटा था प्रहलाद, वाज हम्बल एंड रिलीजियस, बहुत विनम्र था और बहुत धार्मिक था। ही वर्शिप्ड गॉड सिंस चाइल्डहुड, वो भी बचपन से ही भगवान की पूजा करता था। ही अपोज्ड हिज फादर्स अनगॉडली वेज एंड कंटिन्यू टू वर्शिप लॉर्ड श्री हरि, वह अपने फादर की हिरण्यकश्यपु की अनगॉडली मतलब धर्म भ्रष्ट बुरी बातों का विरोध करता था और वो भगवान श्री हरि की पूजा करता रहा। एज प्रहलाद ग्रीव अप, जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ, ही वॉज सेंट टू स्कूल, उसे स्कूल भेजा गया। एट स्कूल टू, स्कूल में भी ही ऑफन प्रीच्ड हिज बेटर मैथ्स टू वर्शिप ओनली, वो अपने जो उसके स्कूल मैथ्स थे, उसके जो सहपाठी थे, विद्यार्थी थे उसके साथ पढ़ने वाले, उनको भी वो हमेशा उपदेश देता था कि हमें किसकी पूजा करनी है, लॉर्ड श्री हरि की पूजा करनी है एंड नो वन एल्स, और किसी की नहीं करनी है। टेकिंग हिम टू बी अ चाइल्ड, क्योंकि वो एक बच्चा था, हिरण्यकश्यपु जेंटली ट्राई टू चेंज हिज माइंड, हिरण्यकश्यपु ने प्यार से उसके दिमाग को चेंज करने की कोशिश की। ही ट्राई टू परस्यूट प्रहलाद, उसने उसको राजी करना चाहा प्रहलाद को, टू वर्शिप हिम, कि वो उसकी पूजा करे डॉट श्री हरि, और भगवान श्री हरि की पूजा नहीं करे, किसकी पूजा करे, कि वो उसने कहा कि तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं अमर हूँ, तो तुम मेरी पूजा करो, भगवान श्री हरि की नहीं करो। बट प्रहलाद डिड नॉट ओबे हिम, लेकिन प्रहलाद ने उसकी बात नहीं मानी। ओबे मीन्स आज्ञा को मानना, उसकी आज्ञा को नहीं माना। दिस मेड हिरण्यकश्यपु एंग्री एंड ही ट्राइड टू किल हिज सन, इससे हिरण्यकश्यपु गुस्सा हो गया और उसने कोशिश की, किल मतलब मारना, अपने बेटे को मारने की कोशिश करने लगा। कि ही थ्रू प्रहलाद फ्रॉम अ हाई माउंटेन, थ्रू मतलब फेंकना, उसने प्रहलाद को फेंका हाई माउंटेन ऊंचे पर्वतों से पहाड़ों से। पुट हिम अंडर द फिट ऑफ अ बिग एलिफेंट, उसको बड़े हाथी के पैर के नीचे भी कुचलवाना चाहा। एंड गॉट हिम बिटन बाय अ ब्लैक स्नैक्स, काले सांपों से कटवाना चाहा। लॉर्ड श्री हरि प्रोटेक्टेड प्रहलाद ईच टाइम, लेकिन प्रहलाद को हर बार श्रीहरि बचा लिया करते थे। एट लास्ट, अब लास्ट में हिरण्यकश्यपु वेंट टू हिज सिस्टर होलिका टू सीक हेल्प, हिरण्यकश्यपु अपनी बहन होलिका के पास गया मदद के लिए। शी वॉज इम्यून टू फायर, उसे वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जल सकती, उसे आग से प्रतिरक्षा, इम्यून मीन्स प्रतिरक्षा, कि वो नहीं जल सकती, आग में उसकी रक्षा होगी। हिरण्यकश्यपु आस्क्ड होलिका टू सिट इन द फायर विद प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु ने आस्क होलिका को कहा कि तुम आग में इस प्रहलाद के साथ इसको पकड़ के बैठ जाओ। दे बिलीव दैट द फायर वुड कंज्यूम प्रहलाद एंड टर्न हिम टू एसेस, उसको ये विश्वास था, उन्हें ये विश्वास था होलिका को, हिरण्यकश्यपु को और हिरण्यकश्यपु को, कि जो आग है वो उसे जला देगी और टर्न कर देगी, किसमें, एशेज मतलब राख, राख में बदल देगी। दैट इवनिंग, उस शाम, इवनिंग मतलब शाम, होलिका सेट इन अ बर्निंग फायर विद प्रहलाद इन हर लैप, होलिका बैठ गई एक बर्निंग फायर मतलब आग का घेरा, आग के घेरे में बैठ गई प्रहलाद के साथ, प्रहलाद को लैप मतलब होता है गोद, अपनी गोद में लेकर। व्हेन द बिग ऑरेंज फ्लेम्स ऑफ फायर वेंट डाउन, जब वो बड़ी बड़ी ऑरेंज कलर की जो आग की लपटें हैं वो जब ठंडी हुई, देयर वाज एश ऑल अराउंड, वहाँ पर चारों तरफ राख ही राख थी। टू एवरीवन्स सरप्राइज, सब हैरान हुए, होलिका हैड बीन बर्नड अलाइव इन द फायर, होलिका पूरी तरह जल चुकी थी, जिसे ये वरदान प्राप्त था कि उसे नहीं जलना है आग में, वो पूरी तरह जल चुकी थी। वाइल प्रहलाद हैड बीन सेव्ड बाय लॉर्ड श्री हरि येट अगेन, लेकिन प्रहलाद फिर दोबारा से बच गए थे, किसकी कृपा से, श्री हरि, भगवान श्री हरि की कृपा से। ओके बेटा, दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर, यहाँ आपका चैप्टर एंड होता है, आप ध्यान से इसको समझेंगे, सुनेंगे और फिर हम इसके
नेक्स्ट डे हम इसके क्या करेंगे, इसके हम वर्ड मीनिंग करेंगे. ठीक है, आप ध्यान से इस चैप्टर को सुनना और समझना. ओके, बाय.